केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने बिलासपुर के विजयनगर में अपने गृह निवास पर मेरा परिवार भाजपा परिवार अभियान के तहत सांसद अनुराग ठाकुर और जिला बिलासपुर से संबंधित 3 विधायकों की उपस्थिति में कार्यक्रम की शुरुआत की। उन्होंने सभी कार्यकर्ता व पदाधिकारियों से आह्वान किया है कि 2 मार्च तक अपनी दुकानों तथा घरों के ऊपर पार्टी के झंडे लगा लें। उसके उपरांत भाजपा के द्वारा आयोजित श्रद्धांजलि कार्यक्रम में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने पुलवामा में सीआरपीएफ के शहीद हुए जवानों को मौन रखकर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि भारत की सेना विश्व में सर्वश्रेष्ठ है और कहा कि जो जवान शहीद हुए हैं उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। समय अनुसार सारे विषयों की जानकारी लेकर जो प्रधानमंत्री जी का निर्देश है उसको पूरा करेगी। इस समय सारा देश शहीदों के साथ खड़ा है। मैं अपनी ओर से भी और अपने सभी साथियों की तरफ से उनके परिवारजनों को ताकत दे वो इस दुख घड़ी घड़ी में इस दुख को सह सके। और ये दुख उनका अकेला नहीं है, ये सारे देश का दुख है। देश आक्रोशित भी है और रोष में भी है, सब उनके साथ हैं। इस समय संयम रखने की भी आवश्यकता है और संयमित भाव से हम सब लोग देश एक रहे और पूरी ताकत के साथ शहीदों के साथ खड़ा है। समय आने पर जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा है उसके अनुसार आगे कार्य होगा। सर कांग्रेस ऐसा है कि कांग्रेस की सोच और उनका लाचारी पर 70 साल में क्या दिया है ये वो जानते हैं। सार्वजनिक जीवन में मैं भी हूँ, आप मेरे से 3 महीने बाद ये प्रश्न पूछ लीजिएगा, आपको उत्तर मिल जाएगा। अभी टेस्ट काम शुरू कर दे, सब कुछ हो गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने मीडिया से वार्तालाप करते हुए आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना के लाभ भी गिनवाए। तस्वीर बदलने की का ये कार्यक्रम है और स्वास्थ्य जगत में ये दुनिया का सबसे बड़ा हेल्थ कवरेज प्रोग्राम है और ये कितना भारत को लाभान्वित कर रहा है वो मात्र 4 महीने के अंदर, 4 महीने भी नहीं हुए, जितनी बड़ी संख्या को और जो गरीब तबके को इलाज का फायदा मिला है। इस मौके पर सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि आतंकवादी संगठन भारत में आतंक का माहौल पैदा करना चाहते हैं, लेकिन पूरा देश एकजुट होकर ये संदेश दे रहा है कि पूरा देश शहीदों के परिवारों के साथ खड़ा है और आतंकियों को उचित जवाब दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पूरा विश्व आज पाकिस्तान की निंदा कर रहा है।